हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जो स्लीव में जो शेप होती है वो किस तरीके से आप दे सकते हैं। बिगिनर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है वो शेप देने में, तो आज मैं उसी बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पेपर पर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पेपर लिया है मैंने, ये 11 इंच है, पौने 11 इंच है, मतलब 11 इंच से थोड़ा ही कम है। और ये डबल फोल्ड में मैंने रखा हुआ है, यहाँ से फोल्ड है और ये तीनों जगहों से खुला रख सकते हैं आप, मतलब खुला होना चाहिए और यहाँ से आपका फोल्ड होना चाहिए। तो मेरे को जितनी लेंथ जैसे चाहिए कि 8.5 चाहिए, तो मैंने इसकी जो लेंथ है वो 9 इंच ली है ताकि नीचे से फोल्ड भी कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो 11.5 है इसमें आपकी हर साइज की स्लीव बन जाएगी, चाहे कितना भी हैवी साइज क्यों ना हो, हर साइज़ की स्लीव बन जाएगी। और ये इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। वैसे अगर आप कपड़े पे बनाते हैं तो आपको दो स्लीवों के लिए कम से कम 4 फोल्ड होना चाहिए इसका, जैसे मैं आपको सिर्फ एक ही स्लीव के बारे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ से ये फोल्ड साइड से ये हमारी लेंथ मैंने ली हुई है और यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी 3.5 पर। ये मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये आप 3.5 पे किस हिसाब से लगाते हैं, तो ये नॉर्मल हर साइज़ का हम ये 3.5 पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधी लाइन खींच लूँगी। तो अब ये स्लीव किस तरीके से लिया जाता है, मतलब जो आपकी बस्ट साइज होता है, जैसे चेस्ट का साइज होता है, जैसे कि 36 है, तो उसका अगर आप चौथा हिस्सा लेंगे तो वो आता है 9 इंच। तो उसमें से आपको 1 इंच माइनस करके ये चीज़ लेनी होती है, तो इसमें 8 इंच आ जाएगा। तो ये 8 इंच हम यहाँ पे लेंगे, 8 इंच हो गया। यहाँ पे 1 या 1.5 इंच आप मार्जिन का रख सकते हैं और यहाँ पे जो भी आपका बॉटम हो वो निशान लगा लें, जैसे कि 12 बॉटम है तो उसका 6 इंच लगा लिया और मार्जिन का ले लिया। आपको जितना भी छोड़ना है इस तरीके से इनको मैं मिला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आती है जो ऊपर की शेप देते हैं हम उसकी बारी। तो सबसे पहले ये वाला कोने से हम इसको मिला लेंगे, इस वाली लाइन को मिलाना है, इसको नहीं। अब तिरछा होके बढ़ जाता है, जैसे ये वाली इस तरीके से हमने 8 लिया था, तो यहाँ पे इसका जो मिडल होगा वो 4 इंच पे आएगा और जो इन दोनों का मिडल होगा वो 2 इंच पे आएगा और जो इन दोनों का मिडल होगा वो 2 इंच पे आएगा। तो इसको हमें नीचे से 1/2 इंच करना है, बढ़ाना है, और इसको इस वाली लाइन को हमें ऊपर से 1/2 इंच बढ़ाना है। तो अब मैं आपको हाथ से शेप देना बता देती हूँ पहले, कि आप यहीं से शेप देना शुरू करेंगे इस तरीके से। ये यहाँ से क्रॉस करेगी जो हमने मिडिल में निशान लगाया था और यहाँ से इस तरीके से जाएगी। तो इस तरीके से ये मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये शेप लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो ये फ्रेंच कर्व होता है इससे भी बता देती हूँ कि आप किस तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ ताकि मुझे नया शेप मिल जाए। और ये फोल्ड साइड है, यहाँ पे दोबारा से मैं इस तरीके से 3.5 इंच पे इसको सीधा कर लेती हूँ, ये 8 पे उसी तरीके से स्लीव ड्रॉ कर लूँगी जैसे कि पहले किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, उसी तरीके से मैंने स्लीव का ये ड्रॉ कर लिया है स्लीव। अब इसके मिडल में एक निशान लगाएंगे हम, जो कि 4 इंच पे आएगा। और फ्रेंड्स, ये अगर आपके पास, वैसे तो मैंने आपको हाथ से भी लगाना बता दिया है कि आप किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसा कि इस पे मैंने बताया आपको, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। वैसे आप पेपर पे या न्यूज़पेपर पे आप इसकी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बहुत ही आसानी से, अगर आपके पास ये वाला टूल है, फ्रेंच कर्व बोलते हैं इसको, आर्म होल राउंड स्केल भी बोलते हैं,
तो इसको आपको किस तरीके से रखना है, जैसे कि मैंने ये एक बीच में निशान लगा लिया है, ये वाला राउंड जो है इस तरीके से आपको रखना है, इसको इस तरीके से सेट करना है आपको, यहाँ पे यहाँ तक इस तरीके से सेट करना है और इस तरीके से ये राउंड देख लीजिए नीचे जा रहा है, और दूसरी बार आपको क्या करना है, ये राउंड ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से सेट करके इस तरीके से कर सकते हैं। इससे बहुत ही आसानी से आप जो है ये वाला शेप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, और फ्रंट के लिए इससे भी थोड़ा गहरा जाता है, इस तरीके से ये फ्रंट का निशान हो गया। तो चलिए मैं आपको इसको कटिंग भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप कट दे दें सबसे पहले, जब भी कपड़े पे काटते हैं। और फ्रेंड्स ये तो मेरा सिंगल स्लीव पे आपको बताया है, पर और ये दो ही फोल्ड हैं, पर जब आप कपड़े पे काटेंगे तो ये फोर फोल्ड होंगे। और इस तरीके से आपको करना है, मतलब कि दो लेयर को इस तरीके से करना है, एक ये लेयर होगी, एक इसके ऊपर लेयर होगी, सीधे सीधे दोनों अंदर होंगे, और उसके बाद आपको ये फ्रंट काटना रहता है। तो इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं फ्रंट को। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।